होतकर, एंजल ब्रोकिंग की स्नेहा सेठ और मार्केट एक्सपर्ट चाइना मुकद्दम, इन तीनों ने ही कल खेल की शुरुआत की। और हमने देखा है कल का दिन तो थोड़ा मुनाफा वसूली वाला था, लेकिन आज तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। तो रिकवरी का पूरा फायदा ये उठाएंगी, याद रखिएगा, सभी ने यही कहा था कि तेजी की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए ढेरों फायदे हाथ लगते हुए दिखाई देंगे, और वही स्ट्रैटेजी आज जारी रहेगी। और खास तौर से कल हमारे दो जानकारों ने अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए एक एक मंदी का सौदा भी डाला था। तो क्या वहां से अब रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर वो बनी रहेंगी, ये सब हम जानेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले मार्केट की स्थिति इस समय कैसी चल रही है वो भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पुलबैक ट्रेड देखने को मिला है आज बाजार में, 11500 पर वापसी होती हुई एक अच्छा संकेत इनफैक्ट इस समय देखा जा रहा है। आप देखिएगा 11520 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी 45 अंकों की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश है, निफ्टी बैंक जो कल काफी टूटा था बिखरा था, यहां पर एक पुल बैक आता हुआ 133 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर निफ्टी बैंक अपनी चाल सुधार रहा है। 29,237 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स भी लेकर आइएगा, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में अब धीरे धीरे करके निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, अब सिर्फ और सिर्फ 20 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ये देखिए डे लो, और वहां से हम अपनी चाल को काफी बेहतर कर पाए हैं और ये संकेत अच्छा है। ओवरऑल इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में दिखाई देगी, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन निफ्टी बैंक में जो रिकवरी आई है वो एक अच्छा संकेत बनती दिखाई दे रही है। अब तक के रिटर्न्स हमारे जानकारों के कैसे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और साथ ही साथ उनसे समझेंगे आज की इस रिकवरी में फिर मूड क्या बनेगा, किन लेवल्स पर इनकी नजरें हैं इंडेक्स के लिए और साथ ही साथ ओवरऑल ट्रेड के लिए। स्वाति होतकर इनफैक्ट लीडरशिप पोजिशन में है, अब तक पॉजिटिव रिटर्न के साथ चाइना मुकद्दम दूसरे स्थान पर 1.5% के इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स इनके हाथ लगे। स्नेहा सेठ के लिए कल का दिन थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा है, तो आज देखते हैं कि वो कैसे कैचअप करेंगी और यहां से आगे अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहेंगी। अब तक के कौन कौन सी पोजिशंस हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक मूड चेक ले लेते हैं, ये जो रिकवरी सामने देखने को मिली है उससे कितनी उत्साहित है हमारी ये जानकार, पहले ये समझते हैं। स्वाति गुड मॉर्निंग, बताइए। अच्छी तेजी नहीं, लेकिन रिकवरी मूड का मूड देखने को मिला है, 11500 पर ज्यादा कंफर्ट है तेजी का कॉल लेने में? या डेफिनेटली एज ऑफ नाउ मूड तो काफी अच्छा देख रहा है, अगर एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी देखे तो ऑलमोस्ट 1:1 का है, टग ऑफ वॉर चल रहा है बुल्स एंड बेयर्स में। अगर टेक्निकल सेटअप में कहूंगी तो इवन कल भी मैंने कहा था कि 11,370-300 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहां से आज हम लोग ने बाउंस बैक रैली देखी है। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस टू पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स मार्केट है, तो एट द करंट लेवल जब तक 11,570 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार 11,570 का ब्रेक आउट हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें 100 और 150 के पॉइंट्स के अपसाइड की रैली देखने मिल सकती है निफ्टी में। तो ओवरऑल डेफिनेटली मूड काफी पॉजिटिव है, आज बाय ऑन डिप्स का मार्केट है तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग डेफिनेटली करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में, क्योंकि काफी एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन तेजी का ही रुख यहां पर है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पर ही फोकस करें, ये स्वाति कह रही है। स्नेहा गुड मॉर्निंग, कल आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल डे रहा है, रिटर्न्स आपके नेगेटिव 3% के रहे, कैसी भरपाई करेंगी इस पोजीशन की, आज की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? कल भी हमने देखा कि सेकेंड हाफ में रिकवरी हुई थी, हालांकि जो थोड़े बहुत स्टॉक्स हैं जो मिड कैप रिलेटेड और बाकी लार्ज कैप में स्पेशली आप देखोगे थोड़ी थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि अभी थोड़ा सा हम एक आध स्टॉक लार्ज कैप में भी शिफ्ट करेंगे, और निफ्टी में अगर स्पेशली अगर आप व्यू देखो तो 11,380-11,400 का काफी अच्छा सपोर्ट था, हमने कल भी फ्रेश राइटिंग देखी 11,400 के पुट में, और आज उसी कारण आप देखेंगे कि लोअर लेवल से फिर से बाइंग आ रही है। आज अगर आप देखें 11,500 की भी पुट काफी एक्टिव है, नियरली 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो हमारा मानना है कि यहाँ से तेजी और देखने को मिल सकती है। अगर ट्रेडर्स निफ्टी में ट्रेड करना चाहे तो 11,550 की कॉल बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके 11,550 की कॉल लेकर चले। स्नेहा कह रही है एक पुलबैक जो ट्रेड देखने को मिला जिसका के अंश कल भी देखने को मिले थे वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये ट्रेंड जो तेजी की तरफ आया है वो इनफैक्ट कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वो तेजी के सौदे आपके लिए कमाई कर देंगे। शाहिना गुड मॉर्निंग, बताइए, आपने इनफैक्ट कल अपनी दो पोजीशंस काटी, एक कैरी करके आई हैं, आज की रणनीति क्या रहेगी ओवरऑल मार्केट के मूव को देखकर, तेजी की तरफ ज्यादा फोकस? हाँ, तेजी की तरफ ज्यादा फोकस है वैसे, लेकिन सुबह हमने देखा कि जो पॉजिटिव न्यूज था
जैसे गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का वो काफी अच्छा ओपनिंग हमको दिए, बट सभी बेंचमार्क इंडेक्सेस में फिर मॉर्निंग गेन्स को सब अभी खो दिया है वैसे. तो आई एम फॉलोइंग, मैं वो ट्रेंड फॉलो कर रही हूँ जिसमें जो क्रूड के जो प्राइजेस लोअर हुए हैं, जो हमको वो पॉजिटिव न्यूज है, उसमें मैं थोड़ा पैसा लगाऊंगी. लॉन्ग पोजिशन ही मैं करूंगी, तो ये भी मार्केट मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स ही रहता है अभी भी. जी हाँ, बाय ऑन डिप्स का मार्केट जरूर बना हुआ है. देखिए 200 पॉइंट की बढ़त इनफैक्ट इस समय निफ्टी बैंक दिखा रहा है, और मिड कैप इंडेक्स तो दरअसल हल्के पॉजिटिव टिक के साथ भी ट्रेड करता हुआ नजर आया था कुछ ही सेकंड पहले. तो ये बस टिके इस पॉजिटिव टेरिटरी में तो वहां से मोड अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा. तो चलिए अब शुरुआत करते हैं खेल की. अब तक की पोजिशन क्या है ये पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. शाहिना ने देखिए कल 3 पोजिशन ली थी, उनमें से 2 में इन्होंने एग्जिट ले लिया, लेकिन M&M वो अभी भी होल्ड कर रही हैं. ये इनफैक्ट इनके पास ट्रेड में बना हुआ है. ये फिलहाल आपके लिए अब तक का ट्रेड इनका. स्नेहा की पोजीशंस क्या है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन स्नेहा से पहले स्वाति हो, अच्छा स्नेहा की पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं. ये 3 ट्रेड्स लेकर आई थी सुबह में, सुदर्शन केमिकल, TNPL और साथ ही साथ ब्लू डार्ट. ब्लू डार्ट में इस समय ये पोजीशंस अपनी एग्जिट कर रही हैं और एक नया ट्रेड जोड़ेंगी. और स्वाति के पास 3 ट्रेड्स हैं जो इन्होंने कैरी किए हैं कल से आज तक. अशोक लेलैंड याद रखिएगा, उन्होंने सेल कॉल दिया था. ICICI प्रू पर एक बाय कॉल रहा है और ITC भी एक बाय कॉल था, वहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हुई हैं. ये फिलहाल स्वाति की पोजीशंस अब तक की. तो बोलिए बताइए स्वाति, तीनों ट्रेड्स के साथ अभी भी आप बनी रहेंगी या फिर कुछ बदलाव का इरादा है? हर्षदा जी, मैं थोड़ा बदलाव करना चाहूंगी. मेरा ITC एंड ICICI प्रू डेफिनेटली काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे रहा है. अशोक लेलैंड भी ओवरऑल अभी भाव टू भाव ही है, CMP पे ही चल रहा है. आज डेटाज आने वाले हैं ऑटो, डेफिनेटली एज पर द न्यूज जो भी चैनल्स भी इवन बता रहे कि प्रोबेबली 40-45% डाउन होने वाले हैं, बट आई नीड टू इनिशिएट अनदर कॉल. इसके लिए मैं फिलहाल ये पोजिशन क्विट कर रही हूँ अशोक लेलैंड, क्योंकि आई थॉट कि ऑन टेक्निकल परस्पेक्टिव ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो सकता है, क्योंकि 83 से हम लोग ने कंटिन्यूस डाउनफॉल देखा है. टेक्निकली अगर बात करें तो 50 डेज मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, जो कि अराउंड 67, 50, 66 लेवल पे है. तो वहां से मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक प्रॉफिट देना चाहिए क्लाइंट्स को. तो आई विल सजेस्ट कि CMP पे मैं एटलीस्ट कट कर लूं ताकि लॉस ना हो जाए क्लाइंट्स को, एंड मैं एक न्यू ट्रेड ऐड करना चाहूंगी एट दी करंट लेवल्स पे, जो कि मेरा TCS सेल कॉल है. बिकॉज ये IT सेक्टर एज ऑफ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो काफी कॉशियस साइन है. हम लोग ने 2 दिन पहले देखा था 2100 के लेवल्स पे एक बाउंस बैक रैली जाते हुए देखी थी, वापस ये डाउनफॉल आ रहा है. अभी 2060 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है, वो अगर ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो जाएगा. तो आई एम जस्ट एज ऑफ नाउ ओपनिंग द न्यू शॉर्ट कॉल्स ऑन द TCS एट द करंट लेवल. मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2110 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1970. ओके 1970 तो एक बहुत ही अग्रेसिव नीचे वाला टारगेट आपको लग रहा है. उतनी गिरावट देखने को मिलेगी इस स्टॉक में? Yes, definitely. अभी 2060 के काफी इमीडिएट सपोर्ट है, जो क्लस्टर सपोर्ट्स लेवल्स है. अगर मैं 5-6 दिन का भी ट्रेड देखूं तो उसमें से कंटिन्यूसली 60 का भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना. अगर वो ब्रेक करता है तो हम लोग ने 75 ट्रेडिंग सेशन पहले हम लोग ने 75 के लेवल्स टेस्ट किए, तो मुझे लगता है वो वापस हम लोग रीटेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, वीकली चार्ट्स भी काफी कॉशियस है. जो लास्ट अगर मैं वीक देखूं तो 15-20 वीक्स पहले एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट था, वो एक उसने जो ब्रेक डाउन दिया है, तो मुझे ओवरऑल TCS काफी वीक लग रहा है. दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग 1970. ओके, तो TCS ये एक नया ट्रेड इस समय आ रहा है स्वाति की तरफ से. इन्होंने अशोक लेलैंड से पोजीशन अपनी काट ली है. अगर उनको आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रेड. TCS में एक अग्रेसिव शॉर्ट कॉल लिया है 1970 के टारगेट के लिए. इस समय TCS को बेचने की सलाह, 2110 इसका स्टॉप लॉस रहेगा. 2066 के लेवल्स पर इस समय TCS ट्रेड कर रहा है, इसीलिए यहां पर उनको लग रहा है कि अब मंदी पकड़ेगा तो इस समय और गिर सकता है. देखिए हमारे टिकर टीम भी बता रही है आपको FNO के टॉप लूजर्स में TCS ने अपना नाम डाल दिया है. ये फिलहाल इस समय का ट्रेंडिंग स्टॉक स्वाति ने भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया है. चलिए अब स्नेहा को जोड़ते हैं. स्नेहा, ब्लू डार्ट, सुदर्शन और TNPL बताइए क्या प्लान है? मेरे जो 2 काउंटर्स अभी ओपन है, हम उसे ओपन ही रहने देंगे, क्योंकि अभी वो एक वापस से एक थोड़ी रिकवरी दिख रही है. तो आगे चल के जैसे एक हायर लेवल पॉसिबल है कि ये वापस रिकवर कर ले, तो हम उसे ऑन ही रखेंगे और एक नया काउंटर ऐड करेंगे जो कि मारुति है. मारुति आप ये काउंटर देखें तो
डेली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था इसने, वहां से हमने काफी अच्छी अपमूव देखी. काफी चार पांच दिनों से कंसोलिडेशन दिखा है इसमें, और जो लेवल पे कंसोलिडेशन दिखा है वो एक काफी अच्छा वो सपोर्ट भी ले रहा है, काफी अच्छा अराउंड 6620 के आसपास. हमारा मानना है कि ये जो अभी मूव है, अभी जो कंसोलिडेशन दिखा, इससे ये ब्रेकआउट आ सकता है, और जो हमने रिसेंटली जो हाईज देखे थे 7200 तक के आसपास, वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं. तो ट्रेडर्स को यही सलाह देंगे कि आप इसमें लॉन्ग करें. 6500 का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट 6177 का रहेगा. ओके मारुति, और इनफैक्ट यहाँ पर भी एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा बिक्री के आंकड़ों का. फिलहाल इस समय तेजी का कॉल ही लेना है. 7177 का टारगेट स्नेहा दे रही हैं. तो सुदर्शन और टीएनपीएल में अपनी पोजीशन को बरकरार रखेंगी, लेकिन जो नया ट्रेड आया है ब्लू डार्ट की जगह, वो है मारुति का ट्रेड, और यहां पर एक तेजी का कॉल है. स्टॉप लॉस आप नोट कीजिएगा जो तकरीबन 6500 के आसपास है. इस समय 6845 के भाव वो स्टॉक दिखा रहा है, तो यहां पर एक तेजी का ट्रेड जोड़ा है. शाहिना, आपके पास दो ट्रेड जोड़ने का मौका है. एमएनएम के साथ आप बनी रहना चाहती हैं या उसको बदलेंगी? नहीं, आज मैं एमएनएम के साथ बनी रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो नंबर्स है, आंकड़े हैं, वो आने की उम्मीद मेरे हिसाब से उम्मीद अच्छी है. और ये भी उम्मीद है कि वो जो कमेंट्री आएगी वो अक्टूबर मंथ के लिए अच्छी आएगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि काफी अच्छे बारिश हुए हैं, ट्रैक्टर सेल्स भी अच्छे होने की उम्मीद है जी. तो ये मैं पोजीशन एटलीस्ट आज के लिए अभी के लिए होल्ड कर रही हूँ, पर मैं दो पोजीशंस ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने दो निकाल दिया है कल के. हिंदुस्तान जिंक जो अपने डिसइन्वेस्टमेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो न्यूज जो आज सुबह हमारे को अच्छी न्यूज आई थी ओवरऑल मार्केट के लिए फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, लेकिन हिंदुस्तान जिंक नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है जी. तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है और मैंने बजर पेंट ऐड किया हुआ है. यहाँ पर एक्चुअली ये दो वीक पहले एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, और अभी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो अभी नीचे आए हैं, उससे मेरा उम्मीद है कि ये जो मोमेंटम बनाया है स्टॉक ने, ये मोमेंटम अभी बने रहेगा, और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि लॉन्ग पोजीशंस को ऐड करें, क्योंकि यहाँ से अभी आई थिंक अगर ये 444 को अगर ये क्रॉस करता है स्टॉक, तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो मेरा टारगेट है आज का 470, और स्टॉप लॉस लगाइए 428. ओके, तो बर्जर पेन सारा है शाहिना के पोर्टफोलियो में, एमएनएम के साथ बनी रहेंगी. इन्होंने हिंदुस्तान जिंक निकाला कल, बर्जर पेंट्स इसकी जगह लेगा और तेजी का ट्रेड है. देखिए, वैसे भी हम फेस्टिव सीजन में आ गए हैं, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है और क्रूड ऑयल में गिरावट एक एडेड बोनस रहता है इन कंपनियों के लिए. ये फिलहाल लॉजिक दे रही है शाहिना. 470 का टारगेट और स्टॉप लॉस 428 पर आप रखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, यह है इनकी पसंद. तो अब तक के जो नए ट्रेड्स आए हैं वो एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. शाहिना ने जोड़ा है बर्जर पेंट्स, तेजी का ट्रेड 470 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 428 का है. हमारे दो दूसरी जानकार हैं वो है स्नेहा सेठ, मारुति पर एक बाय कॉल लिया, तेजी का ट्रेड 7177 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर. और स्वाति होतकर कह रही हैं कि टीसीएस में इस समय एक मंदी का ट्रेड लेना बनता है, 1970 का टारगेट रहेगा, सेल करें, स्टॉप लॉस 2110 का लगाएं. चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चाइना के बाद फिर लौटेंगे, एक और स्टॉक उनसे लेंगे जो इनके पोर्टफोलियो में जुड़ेगा, और ओवरऑल अब तक के रिटर्न्स भी आपके सामने रखेंगे. कुछ और स्पॉट्स मेरे रिडार पर आ रहे हैं स्टॉक्स, उसको स्पॉट करेंगे, उस पर भी एक कॉल लेंगे ब्रेक के ठीक बाद. I'm going on a date. वो तेरी मम्मी की इयररिंग्स है ना, फिर से मेरी डब्ल्यूज़ की? डेट कब है? आज. ठीक है, ले जा. Yes, I'll be very good. कुछ चीजें ऐसी ही रहे तो अच्छा है ना, जैसे अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स की क्वालिटी. IRCTC is the online ticketing arm of Indian Railways with more
more 25 million transactions per month and over 0.84 million railway tickets booked per day. It provides catering services on trains and at stations. It manufactures and distributes packaged drinking water, Rail Neer, for Indian Railways Network. It provides online air ticketing, tour packages and special tourist trains. IRCTC strengthens and enhances the services provided by Indian Railways. मेरे रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं। और वही जीतेगा जो होगा strongest and the best. जैसे GK TMT bar आपके घर के लिए strongest and the best. GK TMT हमारी ताकत, देश की हिम्मत. Celebrating war, releasing 2nd of October. Vishwaraj Sugar Industries Limited makes a public issue of 1 crore equity shares. Bid issue opens on September 30th, closes October 4th. Issue lead managed by Aryaman Financial Services Limited. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus. Gold ki asli chamak dekhni ho, to iski partne kholni padti hai. Bariki se har pehlu khangalna padta hai. जो हम करते हैं आपके लिए और लाते हैं गोल्ड से जुड़ी हर जरूरी खबर जिससे आप कमाएं शानदार मुनाफा. गोल्ड स्पॉट सिर्फ CNBC आवाज पर. पावर्ड बाय अनोपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स, सिंबल ऑफ ट्रस्ट सिंस 1957. मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय. सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे. सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क. कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर कौन सा शेयर खरीदें? कंफ्यूज्ड? मैं तो क्लियर हूँ क्योंकि मेरे पीछे SMC. SMC, मनी वाइज बी वाइज. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. इस दिवाली मम्मी पापा के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट, सारेगामा कारमा. 29 सितंबर से 4 अक्टूबर पूरी होगी हर ख्वाहिश. बड़े ब्रांड्स पे बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स लेकर आया Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 29 सितंबर से 4 अक्टूबर. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ 20,160,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन द प्राइस बैंड ऑफ रुपीज 315 टू रुपीज 320 पर इक्विटी शेयर. Bid offer opens on September 30th, closes on October 3rd, 2019. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus. Available on the websites of SEBI, BSE, NSE and the BRLMs to the offer. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर वन और मार्केट की तस्वीर अब फिर से थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई. 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था निफ्टी बैंक कार्यक्रम की शुरुआत में, अब सिर्फ 74 पॉइंट ही ऊपर रह गया, यानी कि ऊपरी लेवल से 25 पॉइंट फिसले हैं हम. और मिड कैप इंडेक्स, जहां पर आपको याद होगा मैं कह रही थी कि एक टिक आया था हरे निशान के साथ, वो इनफैक्ट 65 पॉइंट नीचे आ चुका है मिड कैप इंडेक्स. तो ये यहां से फिर से हमने देखा है कि दबाव बनता हुआ 67 अंकों की गिरावट अब आ चुकी है और कई ऐसे स्टॉक्स जो बाजार को नीचे खींचने में एक बार फिर आगे बढ़ गए हैं. तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे, अभी भी बिगड़ी हुई है. हमारे जानकारों ने इनफैक्ट तेजी के ट्रेड और मंदी के ट्रेड दोनों पर दाव लगाया है. चाइना के पास चलेंगे, वो एक और स्टॉक जोड़ सकती हैं. इनफैक्ट इन्होंने कुछ देर पहले ही बर्जर पेंट्स को शामिल किया अपने पोर्टफोलियो में. M&M पहले से ही है. तीसरा स्टॉक चाइना, आप बताइए कौन सा रहेगा? तीसरा स्टॉक मैं गेल ऐड कर रही हूँ. ये लो बीटा स्टॉक है, 0.9 का बीटा है. ये वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा बहुत स्टडी, एटलीस्ट मेरी उम्मीद है स्टडी रहेगा. दूसरा मेरा इसको मैंने इसलिए चुना है कि अगर आपने देखा होगा अगस्त में ये 120 के लगभग लेवल से जो ऊपर के रुक लिया है, ये कॉन्स्टेंटली ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है. और मेरा मानना है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हो सकता है 136 के लेवल्स पर, बट अगर वो क्रॉस होता है तो ये अच्छा अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है. और न्यूज डेवलपमेंट्स भी अगर देखें, गैस प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये हुए हैं, एंड गेल सबसे लार्ज कंपनी है फॉर गैस ट्रांसमिशन. तो जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ फाइट फर्टिलाइजर कंपनी
एनी कंपनी जैसे आप देखो जो यूज करती है गैस को ज्यादा पावर के जैसे, तो जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो गैस को बेनिफिट होगा, गेल को बेनिफिट होगा. तो मेरा टारगेट रहेगा फॉर द डे आई एम गिविंग अ टारगेट ऑफ टारगेट रहेगा 160 और स्टॉप लॉस लगा के मैंने रखा है 128. ओके 128 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट. गेल के लिए फायदा यही रहेगा कि वॉल्यूम्स जब बढ़ते हैं इनके हाथ ज्यादा फिर रेवेन्यू आता है और वो एक ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है गेल के प्रोस्पेक्ट्स के लिए. 160 का टारगेट इस समय शाहिना ने आपके सामने रखा है. चलिए अब तक के रिटर्न्स आपको एक बार फिर दिखा देंगे और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं जब समय रहता है. लेकिन पहले रिटर्न्स क्या है, क्या क्या पोर्टफोलियो में आया है आज के सत्र में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. तो एक एक करके देखिए. ये देखिए फिलहाल स्थिति, स्वाति होतकर अभी भी लीडरशिप पोजीशन में. स्नेहा सेठ के लिए आज के दिन फिर से बिगड़ता हुआ और शाहिना मुकद्दम के लिए करीब करीब 2% के नेगेटिव रिटर्न्स हासिल हो रहे हैं. अब कौन से स्टॉक्स हमारे जानकारों ने जोड़े हैं, यहां से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वो अब जो खुलासा हुआ है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं. शाहिना ने इनफैक्ट दो नए ट्रेड्स जोड़े, दोनों ही बाय कॉल है. इसमें बर्जो पेंट नया आया है और गेल नया आया है. कल से कर रहे हैं एमएनएम के ट्रेड को, 580 का टारगेट इन्होंने दिया. स्नेहा का ट्रेड अब क्या जुड़ा है वो मैं आपको बता दूं, मारुति के साथ वो इनफैक्ट इस खेल को आगे बढ़ा रही हैं. 7177 के टारगेट के लिए मारुति खरीदा. सुदर्शन केमिकल और टीएनपीएल में तेजी की पोजीशंस के साथ वो बनी रहेंगी. उनको लग रहा है कि ये टारगेट जो सामने है 430 सुदर्शन के और टीएनपीएल के 238 अचीव जरूर होंगे. अब आइए स्वाति होतकर के लिए, और स्वाति ने इनफैक्ट टीसीएस पर एक सेल कॉल दिया 1970 का टारगेट. ये आज का नया ट्रेड है. कल से आईटीसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ट्रेड को कैरी कर रही हैं. क्या वो दिखा पाएंगे कि इंडिविजुअली किन स्टॉक्स में कितना परफॉर्मेंस बेहतर है या खराब है, कहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी हमारे जानकारों को, वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. ये देखिए टीएनपीएल सुदर्शन थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मारुति की प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आने लगा है. अब अगले जानकार की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ स्वाति देखिए टीसीएस जो इन्होंने जोड़ा उनका उसका योगदान अच्छा है, आईटीसी का योगदान अच्छा है, आईसीआईसीआई प्रूफ थोड़ा सा फीका पड़ रहा है इस समय मार्केट की करंट कंडीशन में. अब आते हैं शाहिना मुकद्दम पर, और शाहिना ने देखिए जो तीन तेजी के ट्रेड रखे हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान दरअसल एमएनएम का ही है. बर्जो और गेल में कैचअप आने में शायद इस समय तो समय लग रहा है, लेकिन मार्केट काफी वॉलेटाइल है. कुछ पॉइंट नीचे फिसलने के बाद मिड कैप इंडेक्स अभी भी 68 पॉइंट नीचे ही है, लेकिन निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं रिकवरी आना शुरू हो रही है. एक दो स्टॉक्स पर मैं इनफैक्ट आपकी राय लेना चाहूंगी. यस बैंक पर स्वाति एक नजर रखिएगा, क्योंकि ये तेजी से टूटने लगा है इस घंटे. स्टॉक 3% फिसल चुका है इसी आधे घंटे में. ये बताइए क्या इस समय एक फ्रेश शॉट एग्जीक्यूट किया जा सकता है 4150 पर? डेफिनेटली फ्रेश शॉट के लिए काफी अच्छा काउंटर है. फिलहाल तो 41-42 के रेंज में चल रहा है, ऊपर में 45-46 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. कंटिन्यूसली ये पर्टिकुलर काउंटर लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, विच इंडिकेट्स टेक्निकली काफी बेरिश मोमेंटम में. आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर काउंटर हमें 32-35 के लेवल्स प्रोबेबली विद इन अ वीक दिखाई दे सकते हैं. तो डेफिनेटली एट द करंट लेवल्स शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं विद इमीडिएट स्टॉप लॉस ऑफ 44 रुपीज फॉर अ टारगेट ऑफ 34 एंड 30 रुपीज ऑन अ डाउनसाइड. 34-30 के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं. तो ये यस बैंक का ऊपरी लेवल से फिसल रहा है, यहां पर इस समय एक नई शॉर्ट की पोजीशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. डेज लो के करीब फिर जाने में जाने की स्थिति में है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहां पर भी हम देख रहे हैं प्रेशर जो है एक बार फिर माउंट होता हुआ. और स्नेहा से इजाजत लेने से पहले इस पर एक व्यू ले लेते हैं. स्नेहा 1% गवा चुका है एसबीआई, क्या मंदी का ट्रेड है या फिर संभलेगा स्टॉक? SBI में अगर देखें तो अराउंड 264-265 के आसपास एक सपोर्ट है. जब तक ये सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है आई वोंट सजेस्ट एनी शॉर्टिंग. अगर ये लेवल हमें टूटते हुए दिखते हैं तो आगे चल के हम कोई भी शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं. तो ये फिलहाल आपके लिए SBI पर रहा है. टाइम दीजिए इस समय अग्रेसिव ट्रेड शॉर्ट साइड का खड़ा ना करें. आगे अगर और टूटता है 265 फिसलते है, उस लेवल के नीचे फिसलता है तब यहां पर एक मंदी का ट्रेड खुलेगा. इस बीच PVR पर एक अपडेट आ रहा है, प्रोमोटर्स ने 15% जो अपने शेयर गिरवी रखे हुए थे वो छुड़ाए हैं. लेकिन और वो स्टॉक देखिए कोशिश तो कर ही रहा है कि पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा, 0.5% नीचे हल्का सा पॉजिटिव टिक इसमें देखने को मिला था. स्वाति कोई ट्रेड PVR में लेना पसंद करेंगे? किस लेवल के ऊपर ये तेजी का कैंडिडेट बनेगा ये बताइएगा.
सी टेक्निकली अगर मैं देखूं तो 1860 1817 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो पार करता है तो हमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है एटलीस्ट 1920 1940 के रेंज में। तो एट द करंट लेवल मेरी मैं कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं कैरी करना चाहूंगी। या नहीं, तेजी इनफैक्ट रिकवरी आ रही है, वो जो बड़ा हॉट बोर्ड है वो इनफैक्ट अपडेट नहीं हो रहा है, 1846 पर आ गया। दरअसल ये जब खबर आई थी तब 1840 के आसपास था वो स्टॉक। That's what I'm telling ना, 1870, 1860 का काफी strong resistance level है। अगर वो break करता है तो हमें definitely 1900, 1920 के levels देखने मिलेंगे। Okay. तो at the current level definitely हमें pullback rally देखने मिली है intraday, but I need to wait and watch कि अगर वो closing basis हमें 60-70 का break देता है कि नहीं। अगर वो देता है तो definitely pullback rally हमें वापस second half के लिए या कल के लिए भी देखने मिल सकते हैं। तो at the current level थोड़ा सा wait and watch policy अपनानी चाहिए। अगर ये 60 के ऊपर जाता है तो definitely buy call initiate कर सकते हैं। तो 60 के ऊपर जाता है तो आप तेजी का ट्रेड लें। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा बार बना और जब यह खबर आई अब 1850 के लेवल्स आ चुके हैं। पिछले 30 मिनटों में यहां पर एक बड़ा जो स्पाइक आखिर में आप देख रहे हैं वो इसी खबर के चलते आया है कि प्रमोटर्स ने 15% जो अपने गिरवी शेयर रखे थे उनको छुड़ाए हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही कार्यक्रम में आज जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज के ट्रेड के लिए। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे हमारी खास पेशकश गोल्ड स्पॉट। Steel presents Majboot Stocks of the Day. Savya, Jewels of Desire. Vishwaraj Sugar Industries Limited. Makes a public issue of 1 crore equity shares. Bid issue opens on September 30th, closes October 4th. Issue lead managed by Aryaman Financial Services Limited. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus. Thank you. Hey, careful. What? It kills bacteria. Very fun. I know. Asian Paints Royal Health Shield. The paint that cares for you. ICICI Prudential Life के साथ पाइए लाइफ क्लेम्स सिर्फ एक दिन में। वाओ! हर एक की लाइफ में अलग अलग चीजें हैप्पीनेस की वजह बनती हैं। पर मुनाफे की मिठास हर लाइफ में खुशियां घोलती है। अपने हैप्पीनेस के मीटर को हर रोज बढ़ाएं और मार्केट बंद होने से पहले हमारी शानदार ट्रेडिंग टिप्स से जबरदस्त मुनाफा कमाएं। देखिए कमाई का हैप्पी आवर, आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है सेंचुरी प्लाई। बाथरूम मैडम कुछ फाइंडिंग्स। कैरोवेटिस फ्रीडम। IRCTC is the online ticketing arm of Indian Railways with more than 25 million transactions per month and over 0.84 million railway tickets booked per day. It provides catering services on trains and at stations. It manufactures and distributes packaged drinking water, Rail Neer, for Indian Railways network. It provides online editing, tour packages and special tourist trains. IRCTC strengthens and enhances the services provided by Indian Railways. पुत्र वीर कमाल दिखा अपना, कभी टेबल बन जाता है तो कभी अलमारी। वीर MDF आम प्लाईवुड से ज्यादा मजबूत, ज्यादा किफायती, दिखे चकाटक टिके टकाटक। We'll be right back.
बेहतर जिंदगानी सूर्या, बिल्डिंग हो बनानी सूर्या, चाहे आसमानी सूर्या, फायर हो बुझानी सूर्या, हो तेल या पानी प्रकाश सूर्या स्टील पाइप, भरोसा 50 सालों का। Tutorials Point India Limited is an e-learning ed tech platform. TutorialsPoint.com is ranked among the 500 most visited sites in the world. Launches its IPO on BSE SME platform with a price band of 60 to 64 rupees per share with lot size of 2000 shares. IPO opens on 30th September, closes 4th October. IPO lead managed by Holani Consultants. जब monthly medicines पे मिले 20% savings, तो कौन सा शौक पूरा करेंगे आप? Download the Farm Easy app, order medicines, save 20% और कर लो अपने शौक पूरे। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क। Genthol Engineering Limited launches its IPO on the BSE SME platform with a price band from 81 to 83 rupees per equity share. IPO opens on 30th September, closes on 4th October. IPO managed by Phantomap Capital Advisors Private Limited. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज. Powered by Anopchand Tilokchand Jewelers, symbol of trust since 1957. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं